अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक होंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं जिना पार्क रावलपिंडी, जो कि कचहरी के साथ वाक़ है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, हम आपको अंदर विज़िट कराते हैं, एक एक चीज़ का अंदर भी जाते हैं, रेस्टोरेंट भी आपको लेके जाएंगे, जो जहाँ पे अंदर मैकडोनल्ड्स है, सिनीपैक्स है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, रहिएगा हमारे साथ। हम अंदर आ चुके हैं, लेके जाते हैं आपको आगे भी अपने साथ। तो चलिए, ये मुख्तलिफ कल्चर के इन्होंने टूल्स बनाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत बगीचा अंदर लगा हुआ है, जिसमें बैठने की जगह बनाई हुई है। मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। आपको सामने नज़र आ रहे हैं चार टावर बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की प्रेजेंटेशन कराते हैं। नज़र आ रहे होंगे, हम आपको जूम करा के भी दिखा देते हैं। सिंध छोटा है थोड़ा सा, बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, उसके बैक पे खैबर पख्तूनख्वा बना हुआ है, और लेफ़्ट साइड पे जो है ना पंजाब का सूबे की प्रेजेंटेशन हो रही है। अच्छा, ये प्ले एरिया है, जहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं। हम आपको आगे भी और भी झूले दिखाते हैं। कहा नहीं है मैंने, फर्स्ट टाइम चेक करते हैं हम कितने डंड निकाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, एक दो। यार आपसे तो मैंने ज्यादा निकाल लिया, मैंने 30 डंड निकाले। कभी जो ना, मैंने जिम ज्वाइन की नहीं है, इस चीज से मैं इतना रिलेटेड हूँ नहीं। ये है कि पैदल वॉक करता रहता हूँ, काफ़ी सारा कर सकता हूँ, कई मिनट किलोमीटर तक, लेकिन डंड वगैरह निकालना या जो है इस तरह की चीज़ से मैं जो है वो नहीं हूँ। ये यार, ये घोड़े इसमें चल रहे हैं, जिस पर बच्चे सवारी खा रहे हैं। बैडमिंटन वाली जगह है जी, बिल्कुल। हमारे राइट साइड पर जो है ना फुटबॉल एरिया है, यहाँ पे जहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है। ये स्केटिंग एरिया है, जहाँ पर छोटे बच्चे भी स्केटिंग कर रहे हैं। आए छोटे, ये डीवा रेस्टोरेंट है। ये सिनेपैक्स है, जिसमें फिल्म वगैरह चलती हैं, जो कि जिना पार्क में है। को मैकडोनल्ड ले चलते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, तो कुछ खा पी भी लेते हैं, आपको विजिट भी कराते हैं अंदर से। तो भूख काफ़ी लगी हुई थी, हमने कहा कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो अभी इस वक्त खाई है, हम ऑर्डर तो किया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया बैठे हुए हैं मैकडोनल्ड में, लेकिन अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। जैसे ही ऑर्डर आता है हम आपको वो भी दिखा देते हैं। आसिम बताना कि मज़ा है कि नहीं खाने का। तो यकीनन वीडियो आपने देख ली होगी, अभी हम चलते हैं, वापसी करते हैं, तो वीडियो हमारी कंप्लीट होगी आज का व्लॉग। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना व्लॉग आपको पसंद आया नहीं पसंद आया। इजाज़त दीजिएगा आसिम भाई, व्लॉगर्स को अल्लाह हाफिज़।